नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और तीन खबर सबकी नजर में आपका स्वागत है। उसमें सबसे पहली खबर देश की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है, जबकि भाजपा ने पलटवार किया है कि मनमोहन सिंह और वित्त सचिव कैसे बने थे। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां एनसीएल सिंगरौली में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कंपनी के दो अफसर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बलदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटरल एंट्री मामले पर। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार का ये फैसला आरक्षण विरोधी है। वहीं भाजपा ने पलटवार किया है कि लेटरल एंट्री का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस शासन में ही लाया गया था। भाजपा ने उनके नाम भी गिना दिए जिनकी यूपीए सरकार में लेटरल एंट्री हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूछा कि मनमोहन सिंह के 1976 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत हुई थी। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मनमोहन सिंह के अलावा मोंटेक सिंह आहलूवालिया को भी इसी तरह योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अश्विनी वैष्णव ने नाम गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में सैम पित्रोदा, वी कृष्णमूर्ति अर्थशास्त्री, विमल जलान, कौशिक वर्मानी, रघुराम रंजन जैसे लोगों को सरकार में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने लेटरल एंट्री को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। इस सुधार से प्रशासन में सुधार होगा। तो आपको बता दें कि लेटरल एंट्री को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर सियासी संग्राम के बीच में विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गई है, और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि इस एंट्री का जो मामला है वो कांग्रेस शासन में लाया गया था। कई नाम भी यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने गिनवाए जिनकी एंट्री लेटरल एंट्री के तहत की गई थी। लेटरल एंट्री पर सियासत का संग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनडीए सरकार ने लागू करने पारदर्शी तरीका बनाया, इस सुधार में प्रशासन में सुधार होगा, ये बात अश्विनी वैष्णव ने कही। लेटरल एंट्री पर सरकार और विपक्ष आमने सामने अब आ गई है। यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी करके लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी, और इसे लेकर के अब आरक्षण का मामला भी निकल कर सामने आ गया है, और लेटरल एंट्री पर अब सियासी संग्राम होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसे लेकर के सरकार और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं, और सियासत जहां पर हो रही है तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने यहां पर कई उदाहरण पेश कर रहे हैं अपने तर्क को सही साबित करने के लिए। उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत में सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। तो आपको बता दें कि लेटरल एंट्री पर अब सियासत तेज हो चुकी है। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल प्रवक्ता भाजपा के तरफ से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र, आपका स्वागत है, आईएनएच के मंच पर हैं, और ये लेटरल एंट्री का मामला है, इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कई उदाहरण यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से पेश किए गए। अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर कई नाम बता दिए हैं, और ये भी कहा है कि जो लेटरल एंट्री का मामला है ये कांग्रेस शासन में शुरू किया गया था। तो इस पर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी, किस तरीके से हम अपने दर्शकों को लेटरल एंट्री समझा सकते हैं? देखिए, इसमें जैसे कहा गया है, वैष्णव जी ने भी बताया, ये कांग्रेस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो वीरप्पा मोइली 2005 में उन्होंने चेयर किया था, जिसमें ये रिकमेंड हुआ था, और हमें उस पर कोई ऑपोजिशन नहीं है। ये अच्छी स्कीम है कि देश की
प्रगति होनी चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर में या बाहर सरकार से बाहर अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको सरकार में लाके देश की उन्नति के लिए काम करवाया जाए। लेकिन आज जो इन्होंने काम किया है कि अपनी ही लाइफ स्कीम जब अब दोबारा यूपीएससी ने निकाला है, और यूपीएससी ने निकाला है यूपीएससी के थ्रू ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से काम होना है, तो ये खुद ही उसको अपोज कर रहे हैं। तो हमने तो देखिए, देश ने एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छी सरकार मांगी थी, हम दे रहे हैं, हमने एक अच्छी ऑपोजिशन मांगी थी, हमें क्या मिला? तो उसको ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, आप सामने आइए, अच्छे नाम दीजिए वहां पे, आप कहिए कि जी ये देखिए हमने ये नाम चार दिए प्राइवेट सेक्टर से, ये अच्छे लोग हैं, इनको इनकी भी चेयर में कंसिडरेशन होनी चाहिए, यूपीएससी ट्रांसपेरेंटली उसको कंसिडर करेगा। लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन देश में फूट डालने के चक्कर में आप ये काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी ऑपोजिशन का काम नहीं है, और आपके जो श्रोता हैं और दर्शक हैं वो भी यही सोचेंगे। इन्होंने 1976 में जी, 2005 की छोड़ दीजिए, 1976 में मनमोहन सिंह जी को ये लेके आए थे वित्त सचिव बना करके, डायरेक्ट एंट्री करके, तब क्या हुआ था? और वो स्कीम थी जो तब हमें पता नहीं लगी, वो कांग्रेसी थे, जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ उन्हें कांग्रेस में लाया गया, प्रधानमंत्री भी बनाया गया, अपने आदमी को प्लेकेट किया गया, अपने आदमी को प्लेस किया गया। ठीक है डॉक्टर धीरेन्द्र, हमारे साथ अब बने रही है हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी INH के मंच पर है, और जो बवाल यहाँ पर मचा हुआ है लेटरल एंट्री के मामले पर, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता ने यह भी कहा है कि ये जो लेटरल एंट्री है ये कोई नई बात नहीं है, 1976 में भी इस तरह की एंट्री हो चुकी है, और इसके बाद भी कई बार ऐसी एंट्री की जा चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है वो इसको लेकर के काफी मुद्दे उठा रहा है। देखिए विपक्ष जब इस बात को मुद्दे में उठा रहा है तो विपक्ष को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कांग्रेस में लैटरल एंट्री लेकर आई थी तो कांग्रेस स्टेट स्पेसिफिक एक्सपर्ट स्पेसिफिक डोमेन्स पर लेकर आई थी। अभी आप मनमोहन जी की बात कर रहे हैं, मनमोहन जी को इकोनॉमी और फाइनेंस में लेकर आए थे, किसी को अर्बन प्लानिंग में लेकर आए थे, किसी को इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में लेकर आए थे। यूपीए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएससी उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को 91% तक नहीं कर दिया था। यूपीए सरकार पिछले 10 साल में 63 लैटरल एंट्रीज नहीं लेके आई है, पर आज जब हम देख रहे हैं कि सारे एग्जाम को बाईपास करके एक एक बच्चा, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का हो, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो, वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस से गुजर के वो यूपीएससी के प्रोसेस को होता है, और आप ज्वाइंट सेक्रेटरीज पे बिना रिजर्वेशन को बाईपास करते हुए अगर आप इन 45 भर्तियों का एक साथ लाते तो आपको 13-point रोस्टर में ना रिजर्वेशन देना पड़ता, पर आप एक एक निकाल रहे हैं। और ये भी इनको थैंक कहना चाहिए देश को कि हम मनमोहन सिंह जी को लेके आए, ये किसको लेके आए, गजेंद्र चौहान को FTII में, उनका हमें बैकग्राउंड पता है, ये प्रदीप जोशी को चेयरमैन बना के लाए थे NTA का, पहले व्यापम स्कैम किया, फिर छत्तीसगढ़ में पंटाधार किया, फिर NTA का किया नीट स्कैम हम सबके सामने, ये चंद्रकांत घोरघोड़े को लेकर आए थे सेंसर बोर्ड में। तो मुझे लगता है कि जब यूपीए लैटरल एंट्री लेकर आई थी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट डोमेन में तो देश की प्रगति के लिए लेकर आए थे, पर इनका संविधान विरोधी चेहरा बिल्कुल उजागर हो चुका है, ये वंचित वर्ग को देश के अच्छे प्रतिष्ठित पदों से बाहर रखना चाहते हैं, इसीलिए लैटरल एंट्री लेकर आए हैं। इनकी खुद की लैटरल एंट्री का जो ये पूरा मसला है, जिस तरीके से इन्होंने आरएसएस के लोगों को बैठाया है, तो राहुल जी ने बिल्कुल कहा है कि आरएसएस कमीशन बनाने के फेर में है, और ये जिस तरीके से इन्होंने 400 पार करके संविधान विरोधी नारे दिए थे इलेक्शंस के पहले, वो धीरे धीरे वही करना चाहते हैं। आज लैटरल एंट्री है, कल को वो कहेंगे कि हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र, यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर पूजा ने ये बात कही है कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल डोमेन के तहत गए थे और बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों को उस जगह पर बिठाया गया था लेटरल एंट्री के तहत, और यहाँ पर जो लेटरल एंट्री की जा रही है उस पर उन्होंने संशय उठाया और कई तरह की बातें भी कही हैं। देखिए ऐसे है कि वो तो कह रही हैं जी हम जो लाए थे बड़े अच्छे लाए थे, हमें तो लाने हैं अभी, तो आपको पहले ही ऑब्जेक्शन हो गया। उन्होंने कुछ नाम और ऐसे गिनाए हैं जिनसे काफी चीजें, नीट वाला मामला भी उन्होंने उठाया जिससे देश के युवा वर्ग काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर धीरेन, मैं जी यही कह रहा हूँ कि वो जो लाए थे वो तो प्रूव हो गया, अपने आप से प्रूव हुआ कि कांग्रेसियों को उन्होंने प्लेस किया। मनमोहन सिंह कितने भी अच्छे हो लेकिन कांग्रेसी थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया इन्होंने, अपने लोगों को प्लेस किया। हमने तो भी लगाने हैं, जो पिछली बार लगाए थे उनमें से एक नाम भी इन्होंने बोला कि वो नाम गलत थे,
मेरे साथ के लोग जो एडमिरल थे, जनरल थे, वो लगे हैं पिछली बारी, तो हम इसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में जो SC ST OBC हैं, वहां क्यों नहीं होते हैं? वहां पे क्या हो गया? अपने वहां अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं। किसने अपोज किया केलकर रिपोर्ट को, केलकर रिपोर्ट को और मंडल को? कांग्रेस ने अपोज किया, राजीव गांधी ने अपोज किया ओबीसी रिजर्वेशन को, जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया रिजर्वेशन को। ये लोग हैं जो कहना चाहते हैं कुछ, ये लोग अपोज करते हैं। यहाँ जब कह रहे हैं कि जो भी जी 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 डॉक्टर पूजा आपके पास आ रहे हैं, कई सारी बातें यहाँ पर रखी है और उन्होंने कहा है कि जो सवाल आपने उठाए हैं वो जो लोग बैठा गए हैं उस पर आप उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर पूजा अपनी बात रखिए। देखिए, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने से पहले वे बहुत फेमस शिक्षाविद थे, इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के, मैं आज तक उनका नाम लिया जाता है। पर आप मुझे बताइए, प्रदीप जोशी को जो आपने मध्य प्रदेश आयोग का कमीशन चेयरमैन बनाया, चेयरमैन बनाया, उसके बाद NTA की कमान दे दी, उनका क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है? एक पेपर तक, एक कॉन्फ्रेंस ने अटेंड किया, एक पेपर नहीं लिखा है प्रदीप जोशी में। ये तो इन दोनों की फंक्शनिंग है। तो अगर आप UPA को कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो उसको पूरी संजीदगी से कॉपी करिए और अच्छे लोगों को लेकर आइए। पर आप लोगों की मंशा ही, आप लोगों की नीयत ही खराब है। आप चाहते हैं कि आप इस देश के आरक्षण खत्म करें, अपने लोगों को उच्च पदों पर बैठा दें। और आपने कहा नेहरू जी ने बिल्कुल अपोज किया था, लेकिन बात यह है कि हमने ये देखा कि आरक्षण होने के बावजूद जब आप आरक्षण को हटाने की बात करते हैं तो वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज 90 जो हमारे सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें अगर सिर्फ 3 छोटे वर्गों उन वर्गों से हैं जो मार्जिनलाइज कहा जाता है सोसाइटी में, तो यह बताता है कि विकास का जो फल है वो सब तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम आप लोगों आप तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी नहीं कराना चाहते। सबसे बड़ी बात आप उसी से गुरेज कर रहे हैं। आपने बजट में स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रावधान ही नहीं रखा इसका। तो देखिए, आप लोगों की संविधान विरोधी चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। मैंने अभी 3 नाम लिए, आप NCERT में देख लीजिए, डार्विन के सिद्धांत को हटा दिया गया है, गोधरा जी। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बात निकल कर आई है कि जो एंट्री होनी चाहिए वो बहुत पारदर्शी होनी चाहिए और जिससे देश का भला हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी और डॉक्टर धीरेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बात की जा रही है देश में, तो अब इस पर लगता है कि ऐसे लोगों को बिठाया जाना चाहिए जिससे कि देश का भला हो सके। अब बात करते हैं 3 खबर सबकी नज़र में, दूसरी खबर की, एक्शन में सीबीआई। और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंगरौली के NCL में भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने छापेमार कार्रवाई की है और मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान CBI ने 4 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी NCL में हुए करोड़ों रुपए के जुर्माने, फर्जी भुगतान से ये जुड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार CBI ने तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा CBI ने रिश्वत लेने के आरोप में जबलपुर यूनिट में पदस्थ CBI के ही एक DSP जॉय जोसेफ दामले को भी अरेस्ट किया है। CBI DSP जॉय जोसेफ दामले को 4,50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में CBI है। रिश्वत लेते पकड़ाए CBI के DSP, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में CBI, CBI DSP जॉय जोसेफ दामले गिरफ्तार। 4,50,000 के रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते पकड़ाए CBI के DSP। तो आपको बता दें ये खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर CBI है। रिश्वत लेते पकड़ा है CBI के DSP। NCL से जुड़े लोगों के यहाँ पर छापा पड़ा है और रिश्वत लेते पकड़ाए हैं ये DSP, CBI के DSP हैं, जॉय जोसेफ दामले गिरफ्तार किए गए हैं। सिंगरौली में CBI का छापा और CBI के DSP ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई अधिकारी इस जांच घेरे में अब आ गए हैं। सिंगरौली के NCL में भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने छापेमार कार्रवाई की है और मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान CBI ने 4 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए हैं।
इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर सीबीआई एक्शन में है और बड़ी बात ये है कि सीबीआई पर ही शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है। सीबीआई के जो डीएसपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, बड़ी रकम यहाँ पर रिश्वत लेने का मामला भी निकल कर आया है और कई अधिकारी भी जांच के घेरे में है। उस मामले को लेके अब जो है सीबीआई एक्शन मोड, तो खासतौर से हम की तो दिल्ली ने इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोग किया, जिसमें जम्मू में डीपी जाय जो सामने जिनको शनिवार जांच किया गया सीबीआई में जब किया गया तो उनको जेल भेज दिया। कह सकते हैं कि देख सकते हैं यही वो मामला है जबलपुर सीबीआई पर उनको जांच का जिम्मा सौंप गया। हालांकि जब हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उनको गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी मंत्री यहाँ कुछ ना कुछ तो, क्योंकि सीबीआई और सीबीआई के घेरे में आ गए अधिकारी जो है वो भी उस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका झलक सकते आपको मीडिया से मिल रही है, तो कह सकते हैं कि बड़ी क्योंकि उनके पास जो सीबीआई ने जताई है उसके छापेमारी सीबीआई कर रही है और सूत्रों के से भी कह रहे हैं कि अब इसमें और भी अधिकारी जो है जी जी। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सिंगरौली में यहाँ पर ये सीबीआई एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर गिरफ्तारी भी की गई है, सीबीआई के डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है, रिश्वत लेते पकड़ा है सीबीआई के डीएसपी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीबीआई। तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीबीआई, सिंगरौली में सीबीआई का झापा और एक्शन में सीबीआई यहां पर दिखाई दे रही है। सीबीआई डीएसपी जॉय जोसेफ दामले को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते पकड़ा है सीबीआई के डीएसपी और एनसीएल से जुड़े लोगों के यहाँ पर छापा पड़ा है। कंपनी के दो अफसर समेत पांच गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि एक्शन में सीबीआई दिखाई पड़ रही है। सिंगरौली और जबलपुर की दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीबीआई एक्शन मोड पर हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीबीआई एक्शन मोड पर है और सीबीआई के डीएसपी ही यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेने का मामला है, एक्शन में सीबीआई नजर आ रही है। सिंगरौली और जबलपुर की ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्शन में सीबीआई यहां पर दिखाई पड़ रही है। सिंगरौली जबलपुर की ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि एक्शन में सीबीआई है और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो यहां पर अगर बता दी जाए तो सीबीआई के ही जो डीएसपी है उन्हें जॉय जोसेफ दामले को गिरफ्तार किया गया है। दो अधिकारियों के साथ पांच लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि रिश्वत लेने का मामला है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिंगरौली और जबलपुर की ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्शन में सीबीआई है और लगातार वो अलर्ट मोड पर कार्रवाई कर रही है। सीबीआई डीएसपी जॉय जोसेफ दामले गिरफ्तार किए गए हैं। तो तीसरी खबर की बात कर लेते हैं, गिरफ्तारी और सियासत, आरोप और गिरफ्तारी और सियासत जो है ये लगातार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बवाल मचाया हुआ है। आगे हम इसमें आपको बता दें कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर के ये मामला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में आक्रोश का माहौल है। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया और 24 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा
तैयार की गई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सेंट्रल जेल के लिए रवाना हो रहे हैं और जेल जाकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बलदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर सौंपा है। देवेंद्र यादव की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज विधायक को बलदाबाजार कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की ओर से इस मामले में जमानत के लिए भी आवेदन लगाया गया है। तो आपको बता दें कि शनिवार को यहां पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी सेक्टर 5 से हुई थी, उनके निवास से हुई थी और उसके बाद लगातार जो है ये मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है। बलदाबाजार हिंसा मामले की ये बात है। 100 से ज़्यादा सवाल देवेंद्र यादव से पहले ही पूछे जा चुके हैं और उसके बाद उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसे लेकर के बलदाबाजार पुलिस जो है वो सुबह से ही उनके सेक्टर 5 निवास पर रही और छावनी के रूप में सेक्टर 5 का उनका निवास स्थल बदल गया। उसके बाद PCC दीपक बैज भी वहां पहुंचे और वो लगातार उनके साथ वहां पर बने रहे और लगभग शाम को 6:15 बजे उनकी गिरफ्तारी देवेंद्र यादव के उनके निवास से की गई। तो इस मामले पर हमारे साथ गौरव शर्मा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। गौरव, यहाँ पर जिस तरीके से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का मामला है वो लगातार तोल पकड़ता जा रहा है, कांग्रेस ने बैठक भी की है और अपने प्रदर्शन को लेकर के रणनीति भी तैयार की गई है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तैयार की है। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि सभी जिलों में कांग्रेस 24 अगस्त को प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के पहले सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में जाएंगे, उन्हें अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, वहां जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, लेकिन साथ ही साथ एमएसए और यूथ कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ इसी मामले में केस दर्ज किया गया, उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बड़ी रणनीति बनाकर सामने आई है और अब जो कांग्रेस के तमाम नेता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत और रविंद्र चौबे हो, तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त जेल पहुंच रहे। जेल में देवेंद्र यादव से मुलाकात की जाएगी, देवेंद्र यादव को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी और उनके मामले में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उसकी जो विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है कि किस तरह से वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। सतनामी समाज को भी साथ लेने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि समाज की लड़ाई थी और उसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव शामिल हुए और उसके बाद में इस तरह की जो अपराध है वो दर्ज किए गए और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो सतनामी समाज को भी साथ लेने की कोशिश इस पूरे घटनाक्रम में की जा रही है। बड़ी रणनीति तैयार की गई कांग्रेस की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आक्रामक प्रदर्शन की जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग नेताओं को दी जाएगी, अलग अलग विधानसभाओं के लिए, अलग अलग जिलों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। तो इस तरह के जो फैसले हैं वो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लेगा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होते ही सभी नेता सेंट्रल जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से मुलाकात के बाद इन तमाम विषयों की जानकारी देवेंद्र यादव को भी दी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर के बवाल मचा हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस रणनीति भी यहाँ पर तैयार कर रही है, इसके साथ साथ आज उनकी पुलिस रिमांड जो है वो भी खत्म हो रही है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उनकी पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर आगे बात की जा सकती है और आज वहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उनसे मिलने भी पहुँचेंगे। तो इसे लेकर के लिए क्या कुछ रहेगा आगे की जो रणनीति होगी, इस पर किस तरीके से कांग्रेस काम करने वाली है, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करके वो आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सेंट्रल जेल पहुंचकर इस बात का संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में देवेंद्र यादव के साथ, उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, उनके साथ खड़ी है। इसी वजह से आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जगदलपुर में मौजूद है, लेकिन वहां पर भी वो पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ रायपुर में अगर बात की जाए तो चरणदास महंत और भूपेश बघेल के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायक के साथ साथ पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया, पूर्व मंत्रियों को भी बुलाया गया। बैठक में भी इस बात की चर्चा की गई कि कैसे 24 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। तो सभी को जिम्मेदारी देने की रणनीति बनी, सभी कांग्रेस नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणनीति बनी और अब जो है वो देवेंद्र यादव को पहले माना जा रहा था कि वहां बलौदा बाजार ले जाकर पेश किया जाएगा,
लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी होगी। इस वजह से सभी वरिष्ठ नेता जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जेल के बाहर देवेंद्र यादव के समर्थक और उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हलचल जो है पास लौटेंगे इस मामले को लेकर के। आप लगातार यहां पर नजर बनाए रखिए इस मामले को लेकर के। देवेंद्र यादव का जो मामला है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव। तो आपको बता दें कि आरोप गिरफ्तारी और सियासत का जो मामला है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बल पड़ता जा रहा है और तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो है कांग्रेस स्ट्रैटेजी बना रही है देवेंद्र यादव को लेकर के। उनसे मिलने भी वो पहुंचेगी जेल और उसके बाद 24 तारीख को प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो आज तीन खबर सबकी नज़र में, इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।